भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय लालबाग लखनऊ में दानवीर भामाशाह की जन्म जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री और व्यापारी नेता वैश्व नटवर गोयल ने 7 पत्रकार एवं 5 वैश्व व्यापारी नेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश वैश्व व्यापारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुलहरे एवं पूर्व राज्य मंत्री नानक दीन भुर्जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भामाशाह की मूर्ति को फूलमाला से सुशोभित किया गया और आए हुए समाज के अतिथिगण एवं पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्यापारी नेता वैश्व नटवर गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भामाशाह के जन्म जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके लिए वह मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को भामाशाह की जयंती और भी धूमधाम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मनाई जाएगी। इसके लिए वह प्रदेश के सभी व्यापारियों को प्रेरित करेंगे। व्यापारी एकता गांधी भामाशाह अमर रहे, गांधी भामाशाह अमर रहे, गांधी भामाशाह अमर रहे, अमर रहे। आज गांधी भामाशाह जी की जन्म जयंती है, लक्ष्य में आज आपने पत्रकारों का सम्मान भी किया है, क्या कुछ कहेंगे इस दिन को लेकर? देखिए, पत्रकार आप सभी जानते हैं कि देश के चौथे स्तंभ है, तो पत्रकार का सम्मान करना हम सभी, क्योंकि हम सभी भी आप ही के परिवार से और आप भी हमारे परिवार से हैं। आज भामाशाह जी की जो जयंती है, इस जयंती की कुछ खास बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से भामाशाह जी की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का एक फैसला लिया है, इससे व्यापारियों में बहुत ही ज़्यादा हर्ष की लहर है। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, भामाशाह ने भामाशाह जी ने अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अगर किसी की लड़ाई लड़ी तो वो महाराणा प्रताप के लिए इतना अतूक धन दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि फिर से वो मेवाड़ के राजा बन सके। तो उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, अपने संबंध निभाए। तो दानवीर कर्ण महाराजा को भी कहा जाता है और आज इतनी खुशी के मौके पे और सम्मान का विषय ये रहा कि एक आज से हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है कि हर वर्ष इस व्यापारी कल्याण दिवस को खूब धूमधाम से मनाएंगे और सारे व्यापारी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होकर के सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संसार में चौथे स्तंभ कहते जाते आदमी की बात पहुंचाने के लिए, अगर पत्रकार नहीं तो आदमी की बात नहीं पहुंचेगी। हाँ, इसलिए आप सम्मान के योग हैं, हम सब लोग आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए सम्मान करते हैं कि आप हमारी बात जन जन तक पहुंचाते हैं। एक बात, दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग इसलिए आभारी हैं कि दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को उन्होंने व्यापारी कल्याण दिवस के नाम पर मनाने की घोषणा की, इसलिए हम सब लोग उनके कृतज्ञ हैं, माननीय मुख्यमंत्री के कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर समाजवाद के प्रेरणा स्रोत महाराजा अग्रसेन थे, जिन्होंने एक ईंट एक रुपया देके अग्रवा में जो भी परिवार गया उसको एक ईंट वहां रहने वाले और एक ईंटा देते थे, ईंटे से आप घर बनाइए और रुपए से आप व्यापार कीजिए। हम लोग माना समाजवाद के प्रेरणा स्रोत भी वैश्य समाज के ही थे महाराजा अग्रसेन जी, और साथ ही वैश्यकुल जनक भामाशाह जी, ये बचपन से बालकाल से ही महाराणा के साथी थे। महाराणा के साथ जब विषम परिस्थितियों में, जिसको लोग कहते हैं भामा ना होता तो शायद राणा ना होता, उस विषम परिस्थितियों में इन्होंने इतनी अकूत संपत्ति दी थी कि उस संपत्ति के जो फौज बनी, उस फौज ने पुनः देश का गौरव, भारत माता का सम्मान पुनः स्थापित हुआ, उस युद्ध में जीते और उसमें भामाशाह माना बनिए होके, जो बनिए का काम है उधर की पूर्ति, मगर उधर की पूर्ति के वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लेके युद्ध कर रहा था मुगल सेना से, उसमें इनके भाई ताराचंद जी वीरगति भी प्राप्त हुए, मगर देश का सम्मान बचा, भारत
माता की लाज बची, पुनः हम लोग जीते और मेवाड़ पे पुनः स्थापित हुए। ऐसे थे भामाशाह, तो इसीलिए वैद्य समाज का जो है हम लोग वैद्य भामाशाह के वंशज हैं। अपने को कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा दानवीर भामाशाह। मैं आज गोयल सर की तरफ से व्यापारी सम्मान का समारोह आयोजित किया गया है भामाशाह की जयंती के उपलक्ष्य में, आप भी इस कार्यक्रम में आए तो क्या कहेंगे? मैं नानविंद भोजी, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा, पूरे देश दुनिया के अंदर वैश्यों की लड़ाई लड़ने का काम वैश्य नेटवर्क वैश्य जी पूरे देश के कोने कोने में कर रहे। आज ये दिन देखने को मिला है, ये बहुत बड़ा प्रयास करके वैष्णव गोयल जी ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को प्रस्ताव, तमाम केंद्र को प्रस्ताव भिजवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को विवश किया और इतना विवश किया कल्याण व्यापारी कल्याण दिन मनाना पड़ा। देश के अंदर अब कल्याण के साथ साथ व्यापारियों की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए, व्यापारियों के हितों की रक्षा की भी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अत्याचार अगर होता है तो वैश्यों के ऊपर होता है, तो व्यापारियों के ऊपर होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि वैश्य नेटवर्क गोयल जी को इस सरकार में बहुत बड़ा सम्मान है। इस सम्मान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो कार्यक्रम रखा गया बहुत तात्कालिक कार्यक्रम रखा गया, वैश्य नेटवर्क गोयल जी पूरे देश विदेश तक इनका बहुत संगठन है, लगातार पूरे देश के वैश्यों की सेवा कर रहे हैं और आज के मौके पर हम जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री वैष्णव गोयल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और वैष्णव गोयल जी लगातार कई वर्षों से इस मामले को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री रक्षा मंत्री पूरा बना करके अब आज ये दिन आया है कि जो है व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में भामाशाह का मनाया गया है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका पूर्व राज्य मंत्री वैष्णव गोयल जी की है, हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा आभार मिलता है। चैनल देशपद्धन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।